जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नीरज और क्लासेस। और आज सर आपके दर्द का जो है निवारण होने वाला है। मैं लेके आया हूं सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सर टाइम टेबल, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं और सर अपने एग्जाम्स जो है क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले चाहूंगा सर इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए धमाधम, और सर लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 2000 लाइक्स का। और साथ साथ में सर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, वो ये है कि भाई हमारा नीरज और मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसकी सारी की सारी वीडियो सर मैं आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में या फिर मैं आप लोगों को इस ही वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में जो है वो दे दूंगा। जरूर 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 देखिएगा। हमारे पास तक सर डाउट पहुंचाने से पहले आप देखिए कि क्या मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका डाउट सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ उस मेंटरशिप प्रोग्राम को जो है शेयर कर दीजिए। अब सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही थी वो आ रही थी सर एक अच्छे से टाइम टेबल की, जिसको सर देख के आप लोग जो है अपना टाइम टेबल बना पाए। तो मैं सर आपको एक सैंपल टाइम टेबल दे रहा हूं सर, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम उसको हार्ड एंड फास्ट आप लोग फॉलो करें। आपको अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज सर आप लोग जो अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। उसके बाद जो है सर आप अपने आप जो अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं और अपने नंबर अच्छे लेके आ सकते हैं। स्पीड में रखूंगा सर बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर जल्दी से बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। देखिए मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल देने वाला हूं सर, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग जो 4 से 5 बार जो अपने रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले, और आप उसी टाइम टेबल को बेस मानते हुए सर अपना टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा। अब बात करते हैं सर हमारे पास जो है दिन कितने बचे हैं। सर मैंने थोड़ी बहुत जो है वो कैलकुलेशन करके रखी है, मैं आपको सर यहां पर जो है कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारा जो एग्जाम है सर वो है 12 मई को। मैं सर अभी ग्रुप 2 को बेस लेकर चल रहा हूं, ग्रुप 1 वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उनके लिए भी सर ऐसे एक टाइम टेबल बना दूंगा, अदरवाइज आप लोग इसी वीडियो के बेस पर अपना टाइम टेबल जो है बना सकते हैं। अब 12 मई तक सर हम लोग ऐसा क्या करेंगे सर हमारे जो रिविजन है वो बहुत सारी बार हो जाए, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका सर मैंने यहाँ पे जो निकाला है उसको मेरे साथ साथ देखिएगा। ज्यादा इसके अंदर ज्यादा दिक्कत मत कीजिएगा, मतलब अपने आप कुछ दिमाग मत लगाने लग जाएगा। मैंने बहुत प्यार से जो इसको प्लान किया, ये देखिए ये है सर अभी हमारी करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन बोले तो सर हमारे पास इतने दिन जो है वो बचे हुए हैं, फरवरी में लगभग सर हमारे पास अभी 21 दिन है, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 11 दिन बचे हैं। वैसे आपको बता दूंगा सर 12 मई को जो है तुम्हारी भाभी का बर्थडे आता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा फर्स्ट एग्जाम वाले दिन, जो आपका ग्रुप 2 का एग्जाम होगा तब, डोंट वरी एट ऑल। आइए तो हमने सर फरवरी को कैसे यूटिलाइज करना सर, ये रहेगा हमारा पहला टारगेट। यहां पे देखिए मैंने आपसे क्या बोला है, 9 से 18 फरवरी, 19 से 28 फरवरी, 29 से 8 मार्च और फिर 9 से 18 मार्च, ये 4 सब्जेक्ट सर आप लोग जो है ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें सर मैं आपको एक और भी टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप अपने टाइम टेबल में एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। वो स्पेशल टेक्निक होगी EISSM के लिए, बट अभी के लिए आप लोग सुनते चलिए कि आपके पास मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट हैं। ओल्ड कोर्स वाले बच्चे मान के चले सर 3 सब्जेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हुए चलें। अब देखिए यहां पे आप 4 सब्जेक्ट कौन से करेंगे, सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपको सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल सर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है EISSM को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है FME को, तो यहां पे सर सबसे ज्यादा पहले सबसे पहले आपको क्या उठाना पड़ेगा FME को। या आपको ऑडिट डिफिकल्ट लगता है सबसे पहले आप क्या उठाएंगे ऑडिट, तो जो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट सर यहां पर आप लोग उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही डिफिकल्टी के लेवल में हम लोग चलेंगे, सबसे डिफिकल्ट, उससे कम डिफिकल्ट, उससे कम डिफिकल्ट और सबसे कम डिफिकल्ट। इस तरीके से हम लोग अपने सर 4 सब्जेक्ट जो है 18 मार्च तक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर बोध रूप वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए भी टाइम बना दो, भाई मैं आप लोगों को एक सजेशन दे सकता हूं, वो मैंने पहले वीडियोस में दे दिया है। बाकी सर आप बोथ ग्रुप वाले बच्चों प्लीज अपना टाइम टेबल आप इसी को डिवाइड बाय 2 करके बना सकते हो। अगर सर इन्हें 40 दिन में मैं इनको कंप्लीट करने को बोल रहा हूं 4 सब्जेक्ट, तो सर 40 दिन में आपको कंप्लीट करने 8 सब्जेक्ट, इनके पास 10 दिन पर सब्जेक्ट, आपके पास 5 दिन पर सब्जेक्ट, राइट। चलिए तो आपकी पहली आप पहला देखिए आपने पहला काम सर कहां तक कर दिया, 18 मार्च तक, और कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपने टाइमलाइन पे स्टिक करिएगा सर, यहां तक आपने कंप्लीट करना ही करना है। एक बार आपका कंप्लीशन हो गया बल्ले बल्ले। अब हमारे पास 13 दिन बचे हैं मार्च के, 30 दिन बचे हैं अप्रैल के और 11 दिन बचे हैं सर मई के, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद फिर से सर हम लोगों ने जो है एक 5-5 डेज का शॉट निकाला। और एक बात मैं आपको बता दूं सर, ये टाइम टेबल मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, और वो स्टूडेंट जो है सर रेगुलर कॉलेज के साथ सर उसने टाइम टेबल फॉलो किया था एंड शी क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट विद इन 9 मंथ्स विद अ रेगुलर कॉलेज। तो आप लोगों में सर कितने बच्चे हैं सर जो विदाउट कॉलेज बैठे हैं समय, और आपके पास सर कितना समय है, और याद रखिए आपके पास एक ग्रुप का प्लान बता रहा हूं, उसके पास बोथ ग्रुप थे साहब, राइट। तो चलिए सर, तो हमारे पास सर अब जो है 5 डेज प्लान चलेगा, वही सबसे टफ सब्जेक्ट, उससे कम टफ सब्जेक्ट, उससे थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट और सबसे आसान सब्जेक्ट, 5-5 दिन में सर इस बार हमने निपटाया। ये आपको हैबिट जो है बनानी पड़ेगी। आप देखेंगे सर अगर मैं 7 अप्रैल तक की बात करता हूं, तो 7 अप्रैल तक आपकी 2 रिवीजन जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक में सर मैंने आपको 10-10 दिन दिए, 10-10 दिन दिए, यानी आपके सर सब्जेक्ट में कोई कमी भी रह गई तो आप यहां पे आके जो सुधार सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको 5-5 डेज दिए, और 5-5 डेज के बाद एक बार फिर से उसी 5-5 डेज को हम लोग रिपीट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 अप्रैल को सर हम फिर से वही अपना टफ सब्जेक्ट उठाएंगे, उसी ऑर्डर में हम लोग चलते चले जाएंगे, राइट। अब आते हैं सर 28 और 29, ये सर आपके पास एक रिजर्व डेज हैं, इन रिजर्व डेज पे सर हो सकता है आपके प्लानिंग में जो दिक्कत चल रही है वहां पे आके आप जो कॉम्पनसेट कर सकते हैं। देन उसके बाद गाइज आप लोगों ने क्या करना है, अब ध्यान सुनिएगा, 30 अप्रैल और 1 मई को आप लोग पढ़ेंगे
एडवांस अकाउंट्स अगर मैं ग्रुप टू की बात करता हूँ। उसके बाद सर 2 और 3 तारीख को आप लोग पढ़ेंगे सर ऑडिटिंग, उसके बाद सर आप लोग पढ़ेंगे EISSM और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे FM और ECO। ये 4 दिन सर जो लास्ट 4 दिन है 8, 9, 10, 11 एक बार प्लीज़ डेट्स अपने आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम की। इस वीडियो के भरोसे मत जाना कहीं भाई सर ने बोला 12 तो मतलब 12 नहीं भाई, मैंने तो भाई अपनी जो चेक करा वो आपको बता दिया, आप भी एक बार चेक करके मुझे बताएं 12 ही है कि नहीं। फिर आप इस टाइम पर क्या करेंगे, इस टाइम पर सर आप लोग जो है अपना एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ेंगे यानी कि अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे ताकि आप 12 मई को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। पहले पेपर में सर परफॉर्म करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर पहले पेपर में सर अच्छे परफॉर्मेंस ना हो तो ऐसा लगता है कि यार दिल सा टूट गया। इसलिए सर आप लोग 4 दिन अच्छे से अपने एडवांस अकाउंट्स पे लगाइएगा, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा सर, एडवांस अकाउंट्स और FM बहुत स्कोरिंग है इनमें सर, अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा स्पेसिफिकली ग्रुप 2 में, क्योंकि ग्रुप 2 में सर बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो इतने स्कोरिंग नहीं है और इतने स्कोरिंग ना होने के कारण से बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। लेकिन सर अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स नहीं आते सर, हमारे पास एक EIS का स्टूडेंट है उसके 81 मार्क्स आए हुए भाई, 88 मार्क्स सर ऑडिट में आए हुए हैं, जस्ट थिंक ओवर इट, तो मार्क्स उसमें भी आ सकते हैं। बट यस, ज़्यादा सर्टेनिटी जो है वो है सर आपके एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तो एडवांस अकाउंट्स को पर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जो 4 दिन दे दिए। अब आप देखिए रिवीजन कितनी हो चुकी है, ध्यान से अगर देखें यहाँ पर सर एक रिवीजन बहुत ही बढ़िया, फिर उसके बाद सर हमारे पास दूसरी रिवीजन, फिर हमारे पास तीसरी रिवीजन और फिर हमारे पास यहाँ पे चौथी रिवीजन, एंड आई एम अज्यूमिंग कि सर ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम से एक एक बार भी रिवाइज करने वाले, तो 5 रिवीजन आप लोग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सर इस मेथड को फॉलो करेंगे और जो भी आपने टाइम टेबल बनाना है उसको कुछ इसी तरीके से बनाइए कि सर 4 से 5 मिनिमम रिवीजन जो है वो निकले ही निकले, किताब के पन्नों पे शाही दिखनी चाहिए और सर इस पूरी दुनिया को तुम्हारी मेहनत की गवाही दिखनी चाहिए, पता नहीं जमा के नहीं जमा बट हाँ। तो भाई ऐसा अगर नहीं होगा तो भाई आप लोग पास नहीं होंगे जब तक सर किताब के पन्नों पे शाही नहीं दिखेगी, बच्चों के स्टडी मटेरियल कोरे पड़े रहते हैं कोरे, इसका मतलब नहीं इंक लिया और ले भाई डोल दी उसके ऊपर, ना ना ऐसा ना करें। बस इतनी सी बात है सर, टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, आप इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यहां मैं आपको बता दूं कि सर इस टाइम पे इन दिनों में सर आपको क्या करना है, एक तो आपने पढ़ना कैसे एक बार प्लीज मेंटरशिप प्रोग्राम नंबर 4 देखिए, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या नहीं करना है, और आपका डेली आउटपुट जो है 8 to 12 hours के बीच में कहीं पे आना चाहिए। आप स्टार्टिंग कर लीजिए 8 से, बढ़ाते 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 आप इसे जब अप्रैल एंड तक आएंगे यानी कि आपका 20 अप्रैल से लेके फिर भाई आपको फिर उसके बाद 18 मई तक जब तक आपके पेपर हैं, ये एक महीना सर आपका 12 घंटे का आउटपुट आए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरू से अगर ज़्यादा बैठ पाए तो और भी अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा सर अपने आपको पीक आउट मत कर देना, कभी कभी क्या हो जाता है कि सर हम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पीक कर गए मतलब हम 10 दिन पहले सर बिल्कुल अपना टॉप टच कर गए, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप धीरे धीरे अपने आपको उठाइए, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए, मैं तो कहता हूँ 8 to 15 भी जा सकते हैं, 15 थोड़ा सा ऐसा लगता है अनरीजनेबल लेकिन जा सकते हैं आप। मिनिमम सर 8 to 9 hours की स्टडी तो आपने निकालनी यानी मिनिमम आप 8 to 9 के, मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम 10 hours की स्टडी तो आप निकाल ही लो पक्की बात, और 10 घंटे सर अगर आप लोग पढ़ सकते हैं डेली और पढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको सर एक उपाय बता दूंगा कि कैसे आप लोग जो है 10 से 12 घंटे डेली आप जो है निकाल सकते हैं अपना आउटपुट बिना थके बिना रुके। हम भी निकालते हैं भाई, आपको लगता है सर CA बन गए तो पढ़ते नहीं होंगे, भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत काम करने पड़ते हैं, तुम्हें पता नहीं है घर की सब्जियां भी ढूंढनी पड़ती है, अब तो कह भी नहीं सकते ना पढ़े बैठे हैं। एनीवेज, तो ये चीज़ सर आप लोग फॉलो कीजिएगा इस सारे दिनों में, आपने सर ये फॉलो करना है मेंटरशिप प्रोग्राम 4 देखने के बाद आपने 8 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज 10 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज निकालते हैं तो मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा और आप लोग आसानी से जो है पास हो जाएंगे। सुबह पढ़ना शाम को पढ़ना सर इस वीडियो में सर मैं एक बार और चर्चा कर दूंगा इस बात पर, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन आपने सर बड़े बड़े चंक्स निकालने हैं, 4-4, 5-5 घंटे के चंक्स निकालने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो एक ही साथ 4-4, 5-5 घंटे की सिटिंग निकालने की कोशिश करो, हो सकता है, डोंट वरी एट ऑल राइट। और 4-5 घंटे के चंक्स निकालने के साथ साथ सर एक काम और करें भाई, बीच में जब ब्रेक लें तो बहुत दूर कहीं ना जाएं, आप आसपास ही रहें, म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, उस समय पे मम्मी पापा से बातचीत करें या भाई बहन से बातचीत करें, दोस्तों से बिल्कुल बातचीत ना करें, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, ये चैप्टर तो हुआ नहीं, वो चैप्टर तो हुआ नहीं, तुम सब आपस में झूठ बोलते रहते हो राइट। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत ना करें, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सर अगर थोड़ी सी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो आप लोग पास हो सकते हैं। चलिए मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ कि भाई सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें, ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, और काफ़ी फेमस वीडियो सर, लगभग 4 मिलियन के आसपास उसके ऊपर व्यूज हैं, 2.5 लाख के आसपास उसके ऊपर लाइक हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, बट मैं नटशेल में बोलना चाहता हूं, देखो भाई सुबह पढ़ना शाम को पढ़ना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप लोग सर किस तरह के बच्चे हो। अगर सर आप डिस्ट्रैक्टेड बच्चे हो तो सर मैं प्रेफर करूंगा सर आप सुबह उठ के पढ़ें, 3 बजे उठ के पढ़े, यस आपने सही सुना, 3 से 6 की सर आप लोग जो है, 3 से 9 की आप एक सेटिंग निकालिए 6 घंटे की, 9 बजे सो जाओ भाई चद्दर ओढ़ के फिर से 1-1.5 घंटे के लिए, फिर उठोगे फ्रेश फील करोगे, 11 बजे पढ़ने बैठो, फिर 11 से सर एक 6 घंटे की सेटिंग निकालें, 11 से 2, 2 से 5, और 5 बजे सर अपने साथ अपने दोस्तों को सबको फोन कर सकते हो, मतलब उनको परेशान मत करना, मजाक कर रहा हूँ, चतुर वाली टेक्निक है ना कि सबको मैगजीन पढ़ा दो, खुद मैगजीन पकड़ा दो और खुद पढ़ते रहो भाई। तो आप 5 बजे के आसपास सर एक वॉक पर जा सकते हैं या आप जो भी अपना सर एंटरटेनमेंट करना चाहे उस समय के आसपास वो कर सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद सर आप लोग जो है
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सर जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करें 8 से 9 के बीच में। अगर सर आप डिस्ट्रैक्टेड बच्चे नहीं है, जिसे मैं बोलता हूँ सुनामी बच्चे हैं, सुनामी बच्चे सर वो बच्चे होते हैं जो सुनामी में भी अपनी किताब लेकर साथ जाएंगे, तो सर आप कभी पढ़िए कोई बात नहीं। बस मैं आपसे चाहता हूँ सर आप 6-6 घंटे के, 5-5 घंटे के, 4-4 घंटे के, 3 या 6-6 घंटे के, 2 या 5-5 घंटे के, 2.5 के आसपास स्लॉट्स निकालिए, तब सर आप लोगों की पढ़ाई जो बहुत अच्छे से हो सकती है। राइट गाइज, तो लीजिए सर मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है आपके टाइम टेबल के बारे में गाइड कर दिया है। बाकी सर हमारी कोई ब्रांच नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लोग भी सर आजकल टाइम टेबल की वीडियो डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता आजकल ये वीडियोस डालने का मन नहीं करता, मुझे लगता है सब सीख तो गए हैं, करने दो इनको, खेलने दो इनको। राइट, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो भाइयों मित्रों दोस्तों जीतना बंद। एंड यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली गुड, सच में, बाय।